एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। अखिलेश यादव बोले, मोदी हमारे नहीं सिर्फ 1% लोगों के पीएम। गाजीपुर में सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन संयुक्त रैली में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। आरटीआई मैदान से शनिवार को पीएम मोदी ने हुंकार भरी थी, उसी मैदान में सोमवार को महागठबंधन के दिग्गज जुटे थे। मंच से अखिलेश यादव ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि दो दिन पहले जो जनसभा इस मैदान पर हुई थी, जनता ने उसका सफाया कर दिया। अखिलेश ने कहा कि यह देश के भविष्य का चुनाव है, मोदी सरकार की वजह से देश नाजुक स्थिति में है। अखिलेश ने कहा कि हमारी सरकार ने भर्तियां आसान करा दी थी, पहले समय लगता था। सपा सरकार में 10वीं 12वीं पास करके दौड़ कर दिखाने वालों को भी भर्ती हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पूर्व सीएम ने कहा कि मोदी ऐसे प्रधानमंत्री है जो हमारे नहीं है, वह देश के 1% लोगों के प्रधानमंत्री है। अखिलेश ने कहा कि मोदी चाय वाला बनकर 2014 में आए थे, चाय वाला समझकर लोगों ने उन पर भरोसा कर लिया। हालांकि 5 सालों में पता चल गया कि चाय कैसी थी, अब चाय का नशा उतर गया है क्योंकि चाय वाले अब चौकीदार बनकर आ रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट का सर्वर डाउन, यात्री उठा रहे परेशानी। कोलकाता एयरपोर्ट पर लोकल एरिया नेटवर्क में खराबी के कारण 20 से अधिक फ्लाइटों के उड़ान में देरी हुई। यह खराबी लगभग 5:15 पर शाम में शुरू हुई, जिसके बाद एयरलाइंस में मैनुअल रूप से बोर्डिंग पास जारी करना शुरू कर दिया। इसको लेकर कई यात्रियों ने ट्वीट कर नाराजगी जताई है। दरअसल कोलकाता एयरपोर्ट का सर्वर डाउन होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, उड़ानें प्रभावित हुई थी। मैनुअल टिकट के कारण यात्रियों की लंबी लाइन लगी है, जिससे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि FIDS उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली, फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम और कैमरे भी काम नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि FIDS यात्रियों को उड़ान की जानकारी देने के लिए हवाई अड्डों में उपयोग किया जाने वाला एक कंप्यूटर सिस्टम है, जो वास्तविक समय में फ्लाइटों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी देने के लिए यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड या टीवी स्क्रीन को नियंत्रित करता है। अमेरिकी कंपनी ने कहा, भारत कहे तो दूसरे देश को F-21 नहीं बेचेंगे। अमेरिकी विमान कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि अगर भारत की ओर से उसके नए F-21 लड़ाकू विमानों को खरीदने का अनुबंध मिलता है तो दूसरे देशों को इन विमानों की बिक्री नहीं दी जाएगी। व्यापक स्तर पर खरीदारी सौदे के लिए अमेरिकी, यूरोपीय और रूसी कंपनियों से स्पर्धा के पहले विमान कंपनी ने इस तरह की पेशकश की है। लॉकहीड मार्टिन के लिए रणनीतिक एवं कारोबार विकास के उपाध्यक्ष विवेक लाल ने कहा कि अगर F-21 का अनुबंध मिला तो भारत कंपनी के वैश्विक लड़ाकू विमानों के तंत्र का हिस्सा होगा, जो कि $165 अरब का बाजार है। लाल ने एक साक्षात्कार में कहा कि नए लड़ाकू विमान को भारत में वायुसेना के 60 से ज्यादा स्टेशनों से परिचालन के लिए डिजाइन किया गया है और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं में सुपीरियर इंजन मैट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्ध क्षमता और आयुध होने की क्षमता शामिल है। उन्होंने कहा, हम इस प्लेटफॉर्म और संरचना को दुनिया में किसी और को नहीं बेचेंगे। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से यह महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है और यह भारत की महत्ता तथा भारत की अनूठी जरूरतों को रेखांकित करता है। पिछले महीने वायुसेना ने करीब $18 अरब की लागत से 114 लड़ाकू विमान खरीद के लिए RFI सूचना के लिए अनुरोध या शुरुआती निविदा जारी की थी। इसे हालिया वर्षों में सेना की सबसे बड़ी खरीद के तौर पर देखा जा रहा है। तो MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।